और फार्म भरने के लिए हम 400 जने आए हैं जिला प्रमुख। हम एक घंटा से यहाँ आपके एस डी साहब के यहाँ बैठे हैं और पहले चार बार मैंने कहा हम आ रहे हैं फार्म भरने, आ रहे हैं आ रहे हैं। साहब कहाँ हेडक्वार्टर पे साहब बताओ, इस ऑफिस में तो आए नहीं आज। तो साहब कभी कभी पूछो के ये कुछ तरीका तो नहीं है। राम रुपये अड्डे को कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, वहीं पर राम जी नौ वहीं पर ये एसटीम साहब उसमें आ जाओ लोग बोलते हैं। आप एक बार देखो कि वहाँ दूसरा काम चल रहा है और अभी खाली नहीं है, अभी खाली पड़ा है। फाइले वाले ठीक है, मैंने देखा नहीं है कोई बात नहीं। मैं यू कह रहा हूँ अपना बच्चा नहीं लगे, यूँ कह रहा हूँ वहाँ बैठ एक मिनट देख लो। हाँ अच्छी तरह देख लो, मैं क्या है कि शॉर्ट है ये है नहीं, यहाँ छोटा पड़ रहा हो भी तो वहाँ पर क्या है आपको फोन आते हैं मैं छोड़ छाड़ के आ गया ना। बीस मिनट का भी नहीं कोई काम कोई पानी भी नहीं और घूम से इनका यही है तो बस हम तो सारे सो रहे मैं कह रहा हूँ आपको कभी बताया कि साहब टिप्पण टिप्पण एक घंटे पहले तो बोधन करते हो पता नहीं है क्या टिप्पण टिप्पण सारा हर बार टिप्पण टिप्पण खाने के लिए पहले कह रहे थे आप बाहर जा रहे थे तो आपका मेरे को कब तो मैं आपका है ना 5 तारीख तक यहाँ रहना आप आपको रहना चाहिए मैं कहीं हूँ तो भी आप यही रहोगे बस छोड़ करके आ गया भाई। चलो भाई ये 200 आदमियों की भीड़ है तो मैंने तो मंत्री जी को भाई चलो मैं एडीएम साहब है मैं तो आ गया खाना बना सारा भरा है भाई मैं भी छोड़ के आया हूँ। स्थिति तो देख रही थी ना यार सब पहले थोड़ी बहुत नॉलेज में होती था तो मैं क्यों जाता नॉलेज की नॉमिनेशन के चल रहा है तो तभी तो बुलाते हैं आपको हर काम में पता नहीं साइन या प्रदेश में पता नहीं क्या हो जाता है अपन पद पे है इसलिए लोग याद करते हैं कौन करता है अपने जैसे करोड़ों घूमते हैं। मिशन स्टार्ट हो गया था अंतिम तिथि है 5 एक से स्टार्ट हुआ ना यार अब ये बताने की जरूरत नहीं है सर्कुलर देखो ना सर ये बताने रहा है तो कब से चलो आप पूछो उतना बता देते बस पूछो पूछो कोई बड़े नहीं। हाँ आज जो है वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तरुण कुमार पुत्र हरुलाल जाति सिंधी ने नॉमिनेशन पेश किया है और केवल मात्र अभी एक ही नॉमिनेशन आया हमारे पास। बीजेपी प्रत्याशी की ओर से कोई ना कोई नहीं किसी भी पार्टी की तरफ से अभी कोई नहीं है फर्स्ट नॉमिनेशन है। सर एक आप यहाँ से जब आए हैं आप 1.5 घंटा तक इन्होंने ये आपका वेट किया है तो ये क्या चुनाव संबंधी में क्या नहीं एक से लेकर 3 बजे तक का टाइम है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एमएलए साहब से बाद एमएलए साहब का फोन आते ही आगे मंत्री जी के साथ था और आते ही 5 मिनट में इनको अटेंड कर लिए। नहीं सर एमएलए साहब का ये कहना है कि चुनाव से ज्यादा अधिक कोई उपयोगी चीज नहीं होती ऐसे में अधिकारी ये 3 बजे तक नॉमिनेशन लेने का टाइम है और एमएलए साहब का फोन आते ही 5 मिनट में मंत्री जी को छोड़ करके 3 बजे तक का टाइम है लेकिन 2-2 घंटे तक कोई वेट कर सकते नहीं 2 घंटे की बात गलत है।